वेलकम बैक आप देख रहे हैं सियासत मना है हमारे साथ हैं मलिक नवीद खान साहब सबक आई जी पाक आई जी पुलिस फॉर खैबर पखतूनख्वा ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इनके तरीके वारदात की हमारे दहशत हमारे यहाँ के खैबर पखतूनख्वा के अंदर ख़ास तौर पर जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनकी तरीक़ा क्या होता है ये ख़ुदकुश हमलावर जो है उस उसको ट्रेन किस तरह किया जाता है मलिक साहब ने दबे लफ्ज़ों में उन लोगों की हालात तो बता दिए थे जो ख़ुदक हमलावर बच्चे जो हैं जिनको ये सर के अंदर ये भर देते हैं जहर लेकिन इनकी ट्रेनिंग के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसकी तरफ भी इशारा किया कि एक उनके कमांडर जो हैं दहशत गर्दों के वो बड़े फ़खर से फरमाते हैं कि मुझे अगर कोई आप गैर मुसलमान भी दे दें तो उसको तीन महीने में मैं ना सिर्फ मुसलमान बना दूँगा बल्कि खुद को शमलावर भी बना दूँगा और इसको इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि कैसे इसके अंदर वो हुनर नहीं है वाज का हुनर इतना नहीं है जितना नशे का इस्तेमाल और लालच और इसकी दो सिंपल चीज़ें होती हैं नशे की हालत में रखते हैं बच्चों को जिन्होंने कभी पहले नशा देखा नहीं होता और उस हालत में उनको जन्नत की हूरों की बातें बताते हैं तस्वीरें होती हैं उनके पास एक्सप्लेट मैगजीन्स होते हैं उसके थ्रू वो दिखाते हैं कि जी ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ये जन्नत से हमारे पास बर रास्त एक मतलब लेटर आया है ये मैगज़ीन वहाँ से आया है और फिर उनको कहते हैं कि जी खुदा आपसे इतनी चीज़ें दे देगा एक जन्नत सा समा बनाने की कोशिश करते हैं वायल इंटॉक्सिकेटेड नशे की हालत के अंदर और फिर जब आप उस नशे से निकलते हैं तो आपको बताया जाता है कि जी अच्छे ख्वाब थे आपके इस ख्वाब में इस ख़्वाब को हकीकत बनाने के लिए आपको महज एक काम करना है ये जैकेट पहननी है बटन दबाना है और बस आप जाके खुदा से मिलेंगे सत्तर आपके पास होरे होंगी और ये सारे बाग़ात आपके होंगे आई गेस इट वर्कस बिट मलिक साहब अब अगर आगे बढ़ें इस तरफ आने की कोशिश करें कि पुलिस फेलियर्स की बात करें जिसको हमने फ़ौजी फेलियर्स बना दिया है जो कि फौजी फेलियर्स थे भी फॉरेन सर्विसेज फॉरेन मिनिस्ट्री के फेलियर की हमने बात की है सर एक बात बताएं एक एक घर है आठ दफ़ा ज़्यादा बड़ा है बाकी घरों से उसके अंदर हर दूसरे हफ्ते दो बकरे जाते हैं खाना उसके अंदर अठारह उन्नीस लोगों का जाता है उसके अंदर से निकलते हुए दो लोग नज़र आते हैं छः साल से वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा दहशत गर्द मुकी है तीन उसकी बेगमत है तीन फ्लोर पे एक एक करके रहती हैं एक उसने अंदर स्कूल बनाया हुआ है जो उसके बारह तेरह बच्चे वहाँ पर हो चुके हैं सर थानेदार को पता नहीं है ये बात लोग मुझसे करते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं हमारा कल्चर ऐसा है कि एक तो कानून में ऐसी कोई बात नहीं है वेस्ट में अगर आप किसी घर में एक आपके घर मेहमान भी आ जाए हफ्ते से ज़्यादा रहे तो आपको टेलीफोन करके या इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म करना पड़ता है लोकल म्यूनसपैलिटी और पुलिस को कि आपके घर एक मेहमान है जो हफ़्ते के ज़्यादा रहेगा और जितने लोग हैं आपके हर साल सर्टिफाई आप करते हैं हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है एक तो कानून में नहीं है दूसरे रिवाज में नहीं है कोई गवर्नमेंट की एजेंसी जाके चेक नहीं करती आते हैं लोग से ज़्यादा ये वोटर्स रजिस्ट्रेशन वाले बाहर से खड़े खड़े बता देते हैं कि ये इतने लोग हैं ही कांट गो इन ही कांट चेक द फीमेल्स घरों की जो हरमत है वो बहुत ही करीब है वहाँ लोगों को और वो आउटसाइडर्स को आने नहीं देते पुलिस कैन नॉट गो इन एंड चेक ईच एंड एवरी हाउस तो ये ये चीज़ वो है वहाँ पे जो एरिया है मैं खुद डी आई जी हज़ारा भी रहा हूँ वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हैं इसी टाइप के घर हैं लेकिन ये एक्टिविटी जब तक कोई रिपोर्ट न करे पुलिस बजाते ख़ुद तो घर में जाके नहीं जाके चेक कर सकती वो आप वो तो आपका ऑफेंस बन जाता है अगर आप जब आपके किसी के घर में बगैर वारंट्स के सर्च करने जाएं नहीं सर मैं मलिक साहब सॉरी बात काटूंगा सर मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन ख्याल आता और जाके सर्च कर लेते सर छह साल से बहुत कुछ हो रहा था वो अगर सैटेलाइट से मशकूक थे तो पड़ोस के थानेदार को भी मशकूक होंगे थोड़े बहुत ये थोड़ा फेलियर तो थो था ना मुश्किल मेरा मेरा ख्याल है अगर कोई भी थानेदार होता तो मेरा तो ये, ये चीज मिस ना करता और कोई भी मिस ना करता इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सर मैं जान बूझ के उनको मिस करने को इसीलिए मुझे पता है कि बहुत बड़ा मोनिटरी रिवॉर्ड था इसीलिए तो मुझे पता है कि उसके अंदर ये करप्शन और बदवानी का सर इतना नहीं है जितना ना अहली का है आप नहीं मानते ना एहली है सर छे साल मलिक साहब छह साल तीन बेगमात खाना अंदर जा रहा है सत्रह अठारह लोगों के लिए दो लोग नजर आते हैं ठीक चले आप कह रहे हैं बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है सर घर जिस तरह का उसके अंदर खिड़कियों के सामने ब्लॉकेट्स लगी हुई एपटा बाद में तो ये चीज आम नहीं है और थानेदार को कुछ तो हवा लगी हो बॉल अंदर जाती है तो वो बॉल के पैसे दे देते हैं बॉल भी अंदर से लाके वापस नहीं देते ये तो कहीं पाकिस्तान का रिवाज नहीं है सर असल में ये बात ऐसी जगह है कैंटोनमेंट है यहाँ पे किसी को शक भी नहीं हो रहा था कि यहाँ कोई एक्टिविटी होगी वैसे भी आप पेशावर के मदाफ़ात में जाएं इसी तरह के बड़े बड़े घर हैं और बड़े बड़े ये जो हैं मकान हैं उनमें एक कमरे में आप किसी को रख दें आज भी ले आए किसी को रख दें ये पाकिस्तान में आपने देखा होगा खबरें आती हैं कि छोटे छोटे घर आपस में मिले हुए उसमें किसी को 20 साल के लिए बीड़ियाँ पहन के कि जी ये पागल था और इसको लोगों ने रेस्क्यू है किसी ने रिश्तेदार को किसी ने बाहर वाले आदमी को दस दस साल के और नेबर्स को पता नहीं चलता और फाइनली फिर पता चल जाता है क्योंकि कुछ हादसा हो जाता है तो ये ये चीज़ें होती हैं परफेक्शन किसी सिस्टम में नहीं है कि आप आप इसको इतनी बड़ी कोताही कहें मलिक साहब आखिर में मुझे एक और भी मुझे पूछना है आपसे मोरल के बारे में पूछना है लेकिन सर उससे पहले ज़रा ये खरोटाबाद के वाकया की तरफ़ आ जाएँ सर हमें पता है कि हमारी पुलिस जो है वो परफेक्ट नहीं है मैं कराची में रहता हूँ यहाँ की पुलिस तो खैर बहुत ही फार फ्रॉम परफेक्ट है पंजाब के अंदर अगर कुछ अलग अलग महकमे में कुछ बेहतरी आई है लेकिन पंजाब पुलिस एट कोर जो है वही आप अगर कोई पूछेंगे मुझसे कि पंजाब पुलिस की कोई अगर लफ्ज़ कोई अगर कहे पंजाब पुलिस तो सर में सबसे पहला इमेज क्या आता है तो मुझे वही चित्र मारता हुआ एक पुलिस वाला मेरे सर में आता है और सिंध के अंदर भी हमारी जो पुलिस है उनकी हरकतें मुझे हर दिन नजर आती हैं हमारी पुलिस इज़ फार फ्रॉम परफेक्ट लेकिन सर परफेक्शन के अगर करीब कहीं पहुँचती है तो वो खैबर पख्तुनख्वा में इंटरनल पुलिसिंग है और उनका काम जो है वो संजीदा है हमें ये ये तो पता था चले कि अगर कोई चोर है तो उससे उसकी आधी चोरी की भी रकम जो है वो लेके पुलिस वाला चुप हो जाएगा हमें ये सही है समझ आता है हमारे इलाके में हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती से होता है लेकिन सर एक इंसान एक फैमिली जो चेचन या ताजिक है वो मुल्क के अंदर अगर आ रही है तो उसको आपने पैसे लिए पैसे नहीं दिए कुछ तलख कलामी हुई तो मरवा दिया मलिक साहब ये भी होता है ये मेरा ख्याल ये जितना भी आदमी इसको कंडेम करे कम है इंतहा की ये बहुत बड़ी फेलियर है और लेकिन इसके पीछे कुछ मैं कहूँगा जब तक कि इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ जाती कि असल वजूहत क्या थे इनके और दूसरा ये दूसरा जो वाक्य हुआ कराची का कुछ वाक्य पंजाब में भी हुए लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले पाँच छः साल में हम मैं जब पुलिस में ये वेपन्स और ट्रेनिंग का पूरा सिंड्रोम और पूरी ये कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा था तो उस वक्त भी मैं कहा करता था कि हम इस वक्त पुलिस को मिलिटराइज़ कर रहे हैं और मिलिट्री को हम आर्मी को पुलिसाइज़ कर रहे हैं और ये दोनों बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं क्योंकि न पुलिस का काम एंटी टेर्रजम है और ना आर्मी का काम एंटी टेर्रजम है और मैं ये एडवोकेट किया था इन राइटिंग प्रपोजल भेजा था कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाए जिसका ये काम हो डेडिकेटेड अब उससे हुआ ये है कि पुलिस चूँकि आर्म फोर्सेस और ये जो, जो, जो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इनका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है सिविलियंस के साथ और उनकी ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है वो दुश्मन की तरह ट्रेन नहीं है वो वो मुख्तलिफ़ है उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है वो ट्रेंड हैं दुश्मन को मारने के लिए यही और कह रहा और उनका सोसाइटी सोसाइटी के साथ इतना घुल मिल के वो एक्शन करना ये ये चीज़ें ज़रूर होंगी तो मैं ये कहूँगा कि ये उस चीज़ का रिजल्ट है जे, और ये हमें मेरा ख़्याल है फ्यूचर में भी ये मुश्किल सामने करने पड़ेंगे तीसरी चीज़ मैं एक अर्ज़ करूँ कि फेयर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें फियर फैक्टर आप देखें कि एक फोर्स के मेंबर वो भी इंसान है उसको भी डर होता है और वो हर वक्त टेंस होता है क्योंकि कि किसी वक्त भी बंदूक खड़ी वर्दी में विजिबल होता है किसी वक्त भी उस पर अटैक हो सकता है तो एक आम आदमी को अगर एक, एक अटैकर या सस्पेक्टेड अटैकर वो फाइव डिग्रीज नज़र आता है थ्रेट तो लॉ इन्फोर्समेंट वालों को वो थ्रेट जो है सेवेंटी डिग्रीज नज़र आता है क्यों कि उसने वो एक्सपोज होता है कि उस पर अटैक सबसे पहले होगा तो ये फियर फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है लेकिन ये कि इसके इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ज़रूरत है बार बार इनको ट्रेनिंग की करने की ज़रूरत है और लीडरशिप को चाहिए कि वो बड़ी सख्ती से एक्शन लें अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त होनी चाहिए और इन चीज़ों को डिस्करेज करें क्योंकि जो रिस्पेक्ट हमारी आर्म फोर्सेज़ और पुलिस फोसेज़ खासकर खैबर पखतुलखा अर्न कर रही हैं वो मेरा ख्याल है उसको बहुत बड़ा फिर जो है नुकसान होगा इस इनकी रिपूटेशन को मलिक साहब कराची में एक वाक़ हुआ रेंजर्स ने एक डाकू को जो उनकी नज़र में डाकू था जिसने चोरी करने की कोशिश कर रही थी उसको निहत्था जब वो हो गया तो उसके बाद उसको दो गोलियाँ मार दी बड़ा शोर मचा और वो मर गया उसको छोड़ दिया ऐसी मरने के लिए माव है अदालत कत्ल आ, मलिक साहब कराची के अंदर हुआ तो हमने बड़ा शोर मचाया सर ये खैबर पख्तूनख्वा में तो बलोचिस्तान में तो हर दिन होता है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हर दूसरे दिन तो ज़रूर होता होगा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये शूट फर्स्ट एम लेटर गोली पहले चलाओ अपने आप को बचाओ उसके बाद जो है आप माजरत कर लेना अगर गलती हो जाए सर ये ये जो तरीक़ेकार है क्या ये इसलिए सामने आता है इसलिए अदल का वो हाल है जो हम जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं तो पुलिस वाला करे तो क्या करें आ, ये मेरा ख़्याल है कि कुछ हद तक कुछ हद तक ये रिलेटेड होगा क्योंकि पुलिस वाले भी लोअर लेवल पे आ, किसी वक्त इतने परेशान हो जाते हैं कि एक जान जानते हैं कि एक आदमी डकेत है और वो ऐसे ऐसे वारदातें कर रहा है और वो हाथ नहीं चढ़ता तो मेरा ख़्याल है कभी कभी ये लॉ को ओवरस्टेप करते हैं आ, लेकिन हमारे खैबर पख्तुलखा में तो इस चीज़ का रिवाज जो है वो बहुत कम है दहशत गर्दों के साथ जो मार धाड़ होती है वो तो ऑबियसली या वो हॉट पर सूट होती है और या ये है कि उन्होंने फायर किया होता है या बाकायदा फायरिंग एक्सचेंज होती है तो वो तो मुख्तलिफ़ चीज़ है लेकिन हमारी जो पतलूखा की सोसाइटी है इसमें लोग ये चीज़ भूलते नहीं हैं बदल का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो अभी तक जो है सोसाइटी में उसका रिवाज है और अगर नाजायज़ किसी का कत्ल हो जाए तो वो फिर फैमिलीज़ जो हैं वो बदला लेती हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट है और दूसरा हमारी सोसाइटी है वो आर्म्ड भी है तो ये दो चीज़ें हैं जो इसको डिटर करती हैं हमारी सोसाइटी में और हमारी जो है सोसाइटी खबर पथतुलखा की खास तौर आ, तौर पर इसमें जो एगेलीटेरियन सोसाइटी है तो लोग जो है मुख्तलफ एक तो छोटा छोटा सूबा है हर एक दूसरे को जानता है तो उसका भी बड़ा इम्पेक्ट होता है और लोग जो है वो ऐसे वाक़ात को नहीं होने देते म, मलिक नवीद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया हमारे शो को वक्त ख़त्म हो गया है हमारे साथ सबक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस फॉर खैबर पख्तूनख्वा हमें अपनी बात कीजिए शो कैसा लगा हमें लिख के भेजिए एस एम एच एट सी एन बी सी पाकिस्तान डॉट कॉम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग